हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं हियरिंग और लिसनिंग के डिफरेंस के बारे में। देखिए, हियरिंग और लिसनिंग दोनों का मतलब होता है सुनना। ध्यान रखिएगा, हियरिंग ठीक है और लिसनिंग दोनों का मतलब होता है सुनना। देखिए, हियरिंग जो होता है एक्सीडेंटल होता है, इनवॉलंटरी होता है और एफर्टलेस होता है। यानी कहने का मतलब ये है, हियरिंग का मतलब होता है सुनना। आवाज जो है, यानी कि साउंड हमारे कानों में जा रही है और हम उसको ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ध्यान दे रहे हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे मतलब की बात कही जा रही है, मतलब कि हमारे साउंड जा रही है कि नहीं जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर कोई भी साउंड आती है और कोई भी कोई कुछ कहता है और हम सुन लेते हैं तो वो हियरिंग के पार्ट में जाता है। जबकि लिस्टिंग में क्या होता है कि ये फोकस्ड होता है, यानी कि हम ध्यान से उसको सुनते हैं, समझते हैं और वो हमारे जो बात हम सुनते हैं समझते हैं वो हमारे मतलब की होनी चाहिए। ठीक है, वॉलेंट्री इंटेंशनल मतलब कि हम किसी बात को सुनते हैं तो हमारा उसमें एक इंटेंशन छुपा होता है कि हम किस लिए हम उस बात को सुन रहे हैं। और लिस्टिंग में क्या होता है कि हम फोकस्ड होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हम ये बात सुनेंगे तो इसमें मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, छुपा होगा। लिस्टिंग में हम जो है हम अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या किसी बात को एडमायर करने के लिए बात सुनते हैं। हियरिंग में क्या होता है कि एक फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, हियरिंग जो साउंड वेव्स के द्वारा अंडरस्टैंड की जाती है। हियरिंग में क्या है कि आपको लिसनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो साउंड आपके ईयर में पहुंच रही है, यानी कि कानों में पहुंच रही है, वो जो मतलब भर की बातें हैं वो तो समझ सकता है, बाकी आप जो अनयूजुअल टॉक्स होती हैं उसको आप फॉलो ना करें। जबकि लिसनिंग में क्या होता है, जो आपके मतलब की बात है उसको आपको फॉलो करना है, अटेंशन रहना है और लोगों को ध्यान से सुनना है। लिसनिंग में क्या होता है कि आपकी जो माइंड होता है फोकस होता है, अटेंशन होता है, यानी कि जहाँ पे आपका दिमाग जो है कुछ बातों को एडमायर करने के लिए प्रॉपर्ली तैयार होता है। सिलेक्टिव परसेप्शन इज नोन एज अटेंशन। आप अटेंशन पे रहता है क्योंकि आप कुछ चीज़ों को बातों को सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं उन बातों से। और वो इफेक्टिव लिसनिंग इसलिए कही जाती है क्योंकि उसमें अटेंशन इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी होती है और रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है।